अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर का शुरुआत करते हैं। देश भर में लगातार 3 कोरोना की लहरों और नाइट कर्फ्यू के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने, अबकारी विभाग ने जबरदस्त राजस्व हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शराब से जबरदस्त कमाई हो रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदेश सरकार को शराब से हासिल राजस्व में 20.45% की उछाल ये आया था। राज्य के कुल राजस्व का करीब 10% हिस्सा शराब से हासिल राजस्व से आता है। ये कमाई इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। इस बार सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हासिल किया है। इसमें 6,147 करोड़ की बढ़त भी हुई है। अबकारी विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर लगे लाइसेंस शुल्क और अबकारी कर कुल 36,208.44 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है। यूपी में पिछले साल की अपेक्षा इस बार राज्य में शराब से हासिल राजस्व 30,061.44 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,208.44 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब ये है कि शराब की हर दुकान से राज्य सरकार सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व हासिल कर रही है। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने RTI के तहत आवेदन पर यह बताया था कि योगी सरकार के पहले शासन के 4 साल के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 से 2020 से 2021 के बीच शराब की 2076 नई दुकानों को लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस 4 अलग अलग तरह की खुदरा दुकानों के लिए दिए जाते हैं, देसी शराब, विदेशी शराब, बियर शॉप और मॉडल शॉप। इसके पहले ही अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के 5 साल के अवधि FY13 to FY17 की बात करें तो प्रदेश में शराब की 2,566 नई दुकानों को लाइसेंस मिला था। इस दौरान राज्य सरकार का राजस्व 22,376 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,947 करोड़ रुपए हो चुका था, यानी इसमें करीब 11.5% की बढ़त हुई थी। वहीं BSP प्रमुख मायावती के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2007 से 2012 के दौरान 3,621 नई शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया था। इस दौरान राज्य सरकार का शराब से राजस्व 106% बढ़कर 3,948 करोड़ से 8,139 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तो ये थी बात कि शराब से यूपी सरकार ने जबरदस्त कमाई की है और आगे भी ऐसा ही हो सकता है। तो और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।